हो गया आवर्त, कैसे निकालोगे? सबसे अधिकतम कोष को आवर्त बोलेंगे। जैसे चेक लेते हैं एक बार, देखो चेक कर लेते हैं। मान लो मेरे पास निखिल है, निखिल 28 राजी, इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 और 3d 8 जाएगा, चूंकि 28 है ये, 8 गया 20 16 28। तो सबसे ज्यादा कोष कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोष। सबसे बड़ा कौन सा? चौथा कोष। तो इसी को बोलेंगे आप आवर्त। आवर्त कौन सा हो गया? चौथा। ठीक है, किसी का भी निकाल लेंगे आप ऐसे। कोडियम 40 है कि नहीं? देखो जेडार कितना है? जेडार 40 है। देखिए जेडार की, देखो ये किस आवर्त का, चेक कर लेते हैं इसको। 40 करिए, 1s2 2s2 2p6, आगे जाएंगे 3s2 3p6, 4s2 3d10, आगे जाएंगे 4p6, समझ गए? और कितना जाएगा? 5s2 अभी, और 3d2। देखो कैसे, तो 4 4 10 12 6 10 20 30 36 38 42 42 40। हाँ जी, अब आपको पूछे कि किस आवर्त का है, किस आवर्त का? सुनो, सबसे लंबा कोष कौन है? पांचवा, मतलब इसका आवर्त कौन हो जाएगा? पांचवा आवर्त, आवर्त संख्या 5, समझ गए? सबसे बड़ा जिस कोष में जाएगा वही उसका आवर्त है। और ये 3D सीरीज का है, और ये कहाँ का है जी? अरे यार, इधर 4D आएगा, 4D2, ये 4D सीरीज का है, समझ गए? ये 3D सीरीज का था, ये कहाँ का है? 4D सीरीज का है, क्योंकि आवर्त से कम जाता है, सीरीज आवर्त से कम। ये अगर ये चौथे आवर्त का है तो 3D सीरीज जाएगा, अगर ये पांचवें का है तो 4D सीरीज जाएगा। आवर्त निकाल लेंगे आप, सबसे बड़ा कोष, ये तो सरल है। हमको ये सीखना है कि किस समूह में है। समूह कैसे निकालोगे? जैसे आपको 3B 4B 5B 6B 7B, ये तीनों 8B कहलाते हैं। कांपर वाला पूरा फैमिली फर्स्ट बी कहलाएगा, जिंक वाला पूरा फैमिली सेकंड बी कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? हमको यही संख्या, ग्रुप संख्या निकालना है। समूह संख्या कैसे निकालेंगे? एक सिंपल सा ट्रिक देखिए क्या होता है। देखिए विन्यास कर लीजिए आप, ना जी विन्यास कर लीजिए, और आप चले जाएंगे एनएस। एनएस विन्यास होता क्या है? विन्यास तो इतना ही आएगा, एनएस 1 और 2 आएगा, एनएस 1 या 2 आएगा, और N-1 डी 1 से लेकर 10 तक आएगा। यही विन्यास आएगा सब में, है कि नहीं? यही आएगा। अब ध्यान दीजिए आप, ये जो N-1, तो एक यस में एक डी में चेक करना आपको, यस और डी में चेक करना, कहीं चेक नहीं करना, ठीक है? लास्ट का यस और लास्ट का डी। अब देखिए कैसे, लास्ट का यस चेक करना है और लास्ट का डी चेक करना है, समझ गए? अब सुनिए, अब यस में डी, सुनो यस को छोड़िए, अभी देखेंगे आप डी वाले को। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा ट्रिक है, इसको फॉलो करवाएंगे। कैसे? अगर डी की बाहरी का, अगर डी वाले कोष में इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए, समझ गए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 या 5 आ जाए, समझ गए? यहां तक 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए तो 5 आ जाए, ठीक है? अगर 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी आ जाए डी वाले में, ठीक है, तो डी और यस, डी और यस, यस में जितना रहेगा और डी में जितना रहेगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे। और यस में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, समझ गए? हमको इसमें से करना, ये देखना है ना, हमको डी को देखना है। अगर डी में 1 2 3 4 5 तक आ जाए, 1 2 3 4 5 तक भी आ जाए, तो डी और यस को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर जो आएगा वही क्या है? समूह संख्या। कैसे? सुनो कैसे, इसका इंडियम होता है 21। निकालिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1। हमको देखना डी वाले को, डी में कितना गया जी? 1। अगर 1 है तो इसको और यस को जोड़ना था, कितना आएगा? 1 और 2 3, मतलब ये कहाँ का है? तीसरे का है, इसको थर्ड बी बोलेंगे। अच्छा, डी वाले को बी बोलते हैं, समझ गए? यस और पी को ए बोलते हैं, डी और एफ को बी बोलते हैं। तो ये थर्ड बी क्यों? थर्ड बी कैसा है? क्योंकि 1 था डी में और यस में कितना था? 2। हमको डी और यस को देखना ही है, निकल गया ना थर्ड बी, डाउट खत्म। अब जिसमें आएंगे सब थर्ड बी में आएंगे। आ जाएंगे टाइटेनियम 22।
सब कुछ वही रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s3p6 4s2 4s2 भी यही रहेगा, बस 3d2 हो जाएगा क्योंकि 22 हो गया, 20 और 2 22, देखो तो 4 4 10 12 6 2 20 तक है, यहां तक 20 2 22, अब 2 आ गया, 5 से तो कम ही है ना जी, 5 से कम है मतलब उनको जोड़ना है, तो 2 और इसमें कितना आया, 2 2 2 4, मतलब ये जो टाइटेनियम होगा ये कहां का है जी, 4b का है, मिलाओ टाइटेनियम कहां का है, 4b का है, देखिए इधर यार 4b रहेगा, 6 नहीं, ये किसका है, 4b का है, बस समझ गए, 5 से ज्यादा आप आ जाएंगे, अच्छा एक और आप आ जाएंगे, 1 मिनट आप आ जाएंगे, चलो मैंगनीज पे, मैंगनीज कितना है जी, 25 है, 25 आप आ जाएंगे, इधर आ जाएगा 4s2 एंड 3d5, 5 तक आ गया, और अभी जोड़ेंगे 5 2 7, तो ये कहां मैंगनीज कहां का है, 7b का है, देखो मैच कर रहा है कि नहीं, मैंगनीज कहां का, 7b का है, अच्छा एक और क्रोमियम आपको बहुत बड़ा देंगे, क्रोमियम 24 होता है, विन्यास करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4s1 एंड 3d5, क्योंकि अपवाद है ये, 24 निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s3p6 4s2 3d4 जाता है, 3d4 क्रोमियम में 24 है ना, तो 24 3d4 जाएगा, लेकिन हमको करना क्या, d वाले में कभी 4 होता ही नहीं, तो यस वाले में से एक ले करके 4 को 5 कर लेंगे, तो यहां पर एक बचेगा 5 बचेगा, अब देखो 5 ही आ रहा जी, 5 से ज्यादा तो आया नहीं, 5 तक लिखे हैं, 5 तक चलेगा, तो 5 यहां पर है और यस में कितना है, 1 है, 5 है 6, मतलब ये कहां का है, 6b का है, मिलाओ क्रोमियम को, क्रोमियम कहां का है जी, 6b का है, मैच कर रहा है ना, आ जाएगा ऐसे, केवल देखना डी वाले को, डी वाले में अगर बाहर, डी वाले में 1 2 3 4 5 तक आए, 5 तक, ठीक है, अगर डी वाले में 5 तक आएगा तो आपको डी और यस को चेक कर लेंगे, बस समझ गए, अगर डी वाले 5 तक आया तो डी और यस को चेक कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, जो आएगा वही उसका समूह संख्या, अगर डी वाले में 6 आ जाए, 7 आ जाए या तो 8 आ जाए, तो क्या करोगे, अभी तो हम लोग केवल कितना आता था जी, 1 2 3 4 5 तक आता था, दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी क्या है, ज्यादा आ गया, 6 7 8 आ जाएगा, अगर डी वाले में 6 7 8 आ जाए, इसको आप नोट कर लीजिए, अगर डी वाले में 6 7 8 आ जाए तो हमको यस बी से मतलब नहीं है, इस सबको बोलेंगे आप 8b, सभी क्या बोलेंगे 8b, देखो ये खास बात है, अगर 6 7 8 आया डी में तो क्या बोलेंगे 8b बोलेंगे, आगे देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा तो मैं टिक कर रहा हूं, पहला जो था जी यहां पर था एंड सेकंड पॉइंट यहां पर है, तीसरा लास्ट पॉइंट यहां पर है, अब ये क्या है, अगर यस को छोड़िए, यस में हो सकता है 1 आए या तो 2 आए, अगर डी वाले में 9 आ जाए और या तो 10 आ जाए, समझ गए, 9 आए या तो 10 आए, अगर डी वाले में 9 या 10 आए तब अब डी वाले को भूल जाओ, समझ गए, जैसे यहां पर 6 7 8 आया था तो हम लोग यस वाले को भूल गए थे, सबको बोलेंगे 8b, अगर 9 और 10 आएगा अब इसको भूल जाओ, आ जाएंगे यस पे, अब चेक करना यस में, अगर यस में 1 आया है तो ये फर्स्ट बी का मानेंगे, 2 आएगा तो सेकंड बी का, कांड हो गया, तो बस साथ में आप देखिए यहां पर चलते हैं पहले कि अगर 6 7 8 आया तो जैसे एफ आई 26 विन्यास करेंगे आप, 1s2 जाएगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6 जाएगा, 2 2 4 4 12 6 18 2 6 26, ये 26 होता भी है, अब देखो जी d में कितना गया, 6 गया ना जी, तो देखो ये नियम सेकंड नियम आ गया, 6 गया, अब तो कोई स्थिति से मतलब नहीं है, ये कहां का है, 8b का है, देखो एफ आई कहां का है, 8b का, समझ गए, आ जाएंगे आप निखिल पे, 28 निखिल 28 करेंगे तो 4s2 और 3d8 आ जाएगा, अब देखो 6 7 8 8 आ गया, तो कहां का है ये, 8b का है, अब वो कुछ नहीं चेक करना, संख्या कुछ नहीं, अगर 6 7 8 d में आया तो वो 8 का है, आ जाएंगे आप कहां पर, अपवाद है 29 कहां पर, अपवाद है जी, विन्यास करोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे 4s2 3d9 देखो पहले 2 2 4 4 10 2 12 6 8 9 20 और 9 29 लेकिन क्या है गलत है ये गलत है भले 29 हो गया 4s2 3d9 भले 29 हो गया गलत है क्योंकि d वाले में कभी भी 9 हो ही नहीं सकता
क्या करेंगे इसको 10 करेंगे, कहां से करेंगे इस 4 या 1 करेंगे इसको 3d 10। मैं बोला था कि अगर d वाले कोष में 9 या 10 आ जाए, 9 या 10 आ जाए, देखो 9 या 10 आ जाए तो उनको d वाले को भूल जाना, आपको कहां पर आ जाएंगे s वाले पे। अब s में 1 आया तो फर्स्ट है, फर्स्ट है, समझ गए। तो कहां पर कहां कर रहे हैं फर्स्ट है, एक मैं फर्स्ट b का है ठीक। एक और देख लेंगे आप जिंक का, समझ गया, एक और देखेंगे जिंक का, ये कितना होगा 30, सेम टू सेम यही जाएगा, ये अपवाद भी नहीं है जी, ये अपवाद भी नहीं है। अभी क्या चले जाएंगे आप 30 का लगाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या जाएगा 10 जाएगा, 4s2 3d 10। अब देखो 10 फिर गया ना जी, 10 फिर गया। अब जब 10 गया है तो आपको आपको 1 और 2 हमको ये देखना है जी, क्या या 2 है मतलब सेकंड बी का है, आइडिया हो गया ना, सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको देखना कहां डी वाले को, अगर डी में 1 2 3 4 5 आए तो डी और एस को जोड़ लेंगे, मिल गया समूह। अगर डी वाले में 6 7 8 आए किसी को देखना ही नहीं, आपको 8 बी लगा देंगे चाहे जहां करे, सब सही है। अगर किसी में 9 या 10 आ रहा है तो वैसे 9 तो किसी में होता नहीं, सीधा क्या आएगा 10 आएगा। जब 10 आएगा ना तो आपको यस को चेक करना है कि उसमें 1 है कि 2 है। एग्जांपल क्या लेंगे आप, मोलिब्डेनम 42 एम ओ कितना जी 42। सुनो कैसे निकालेंगे, निकालना क्या हमको किस, ये कहां का है, डी ब्लॉक का है किस ब्लॉक का है, आवर्त क्या है, इसका समूह कौन सा है। सुनिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 and 4d 4। हुआ कि नहीं, दो दो चार 14 दो 12 18 दो 20 10 30 36 दो 38 और 4 42। लेकिन ये गलती है क्योंकि कभी भी डी वाले में 4 तो होता ही नहीं, आप इसमें 4 नहीं करेंगे, आप इसको 5 करेंगे, एक यहां से कम करके, इधर से एक कम करके आप बढ़ा देंगे। अब देखो ये सही हो गया अभी। अब आवर्त कौन सा है, पहली बात तो ब्लॉक कौन सा है, डी, डी ब्लॉक का है, ये कहां का है जी डी ब्लॉक। अब लिख लेंगे कि इसका ब्लॉक कौन सा है डी, क्योंकि हमको मिला अंतिम वाला डी में गया। अब हमको चेक करना है इसका आवर्त क्या होगा, आवर्त सबसे बड़ा कोष कौन सा है 5, इसमें संख्या मिलाएंगे 1 2 3 3 3 4 4 4 संख्या दिखा दो 5, तो 5 में आवर्त का हो गया। अब निकालेंगे इसका समूह, इसको बोलते हैं ग्रुप। अब डी में 5 गया, मैं बोला था कि 1 2 3 4 5 तक आएगा तो आपको डी और एस को जोड़ लेना है, 5 और 6 तो ये हो गया अपना 6b का, 6b। देखो ऐसे निकालते हैं, ऐसे लिखेगा नीचे ब्लॉक डी है, आवर्त पांचवा है, समूह कौन सा है 6b है, तो डी ब्लॉक का अपवाद क्या है, एक्सेप्शन बोलेंगे हम इसको, एक्सेप्शन अपवाद ये है क्या, अपवाद ये होता है कि आप डी में कभी भी 4 नहीं कर पाओगे, गलत होता है, और ऐसे ही आप डी में कभी भी मत नहीं कर पाएंगे, ये गलत होता है। अगर डी में 4 आया तो आप इसको 5 कर लेंगे बारीक अच्छा से ले करके, और अगर डी में आया ना इसको आप 10 कर लेंगे बारीक अच्छा से, अब ये सही है। तो अपवाद केवल दो होता है कि डी में 4 और 9 नहीं होते हैं, जैसे क्रोमियम देखो, क्रोमियम 24 यहाँ करोगे तो 1s2 जाएगा 2s2 जाएगा 2p6 जाएगा 3s2 3p6 4s2 और 3d 4 गया, 4 गया ना। अब दिक्कत है क्योंकि d में कभी 4 तो होता ही नहीं, अब क्या करेंगे, सही करेंगे, सही कैसे करेंगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है। अब बोला गया कि बाहरी कोष से तो 3 से बड़ा 4 होता है ना जी, अब यहां पर आप 4s1 कर देंगे, इधर 3d 5 कर देंगे, अब देखो सही हो गया, समझ गए, अब ये सही है। अब ऐसा क्यों किया गया, सुन लीजिए दिक्कत कहां पर होता है, अब देखिए दिक्कत कैसे होगा, क्योंकि यस में कक्षाएं 1 होती है, एक रन कितना है 2, और डी में कक्षाएं कितनी होती है 5, ध्यान दीजिएगा 5, इसमें कितना केवल 4 ही है 1 2 3 4, तो ये क्या होता है, इस अवस्था में ये अनस्टेबल है, अस्थाई है,
ये बहुत ज्यादा अस्थाई है, तो क्या करेगा यहां से उठा करके यहां पर ले जाएगा। सुनो अब यहां से जब यहां पर एक बचा, इधर कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, यही वजह है कि फोर एस वन बन जाएगा और थ्री डी फाइव बन जाएगा, यही वजह होता है, कुछ है नहीं। चूंकि यहां पर केवल चार ही था, इसको एक अनपेयर्ड करना है, पहले सिंगल तो कर ले ना जी, तो पहले आप इसको उठा करके यहां पर करेंगे, यही वजह होता है कि 4s हो जाएगा और ये 3d 4 से 5 बन जाएगा। देखो ये था, देखिए ऐसे ही जैसे 4s 2 और 3d के आगे पीछे पीछे कर दूंगा, नहीं जा सकता। कांपर वाला दिखा दे आपको, कांपर वाला देख लीजिए, इसका ये कहानी है। कांपर देखो 29, कांपर 29 देखिए जी, 1s 2 जाएगा, 2s 2 जाएगा 2p 6, 3s 2 3p 6, 3s 2 3p 6, अभी देखो 4s 2 जाएंगे तो 3d 9 जाएगा, क्यों, चूंकि 29 है, तो दो चार चार दस बारह साठ दो बीस और नौ 29 ना जी, 29 हो गया। लेकिन ये गलती है, चूंकि डी में कभी नौ होता ही नहीं, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता देख लीजिए, चूंकि यस में दो है ठीक है, अब देखो जी इसमें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक वाले में केवल एक ही है, लास्ट वाले में से केवल एक ही है, पूरा का पूरा पेड़ नहीं हुआ। देखो यहाँ पर जो पांचवा कक्षक था इसमें तो केवल एक ही है, सब लोग दो दो कर लिए हैं लेकिन ये खाली है, तो इसमें ये बहुत ही अस्थाई है ना जी, ये अस्थाई है, ये अनस्टेबल है, तो क्या करेगा उठा करके यहाँ से ले लेगा, फिर क्या बचेगा इधर एक ना जी, इधर सब सब पेयर हो जाएंगे, सब में दो दो हो जाएगा, देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, इसलिए यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा 4s 1 और 3d 10, यही वजह होता है, यही वजह है जी कि कभी भी d में 9 नहीं होगा उसको 10 कर लेते हैं और 4 आएगा तो उसको 5 कर लेते हैं। बाहरी कक्षा से लेकर के हमने इस 2 से घटा करके यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ कर दिया,